हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में जो है हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं बेजियन बिलीफ नेटवर्क और ईएम एल्गोरिथम दैट इज़ एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम इन दोनों टॉपिक के साथ ही जो है हमारा बेजियन लर्निंग का कंप्लीट टॉपिक जो है जिसके अंदर हमने बहुत सारी डिफरेंट एलगोरिदम्स डिफरेंट टेक्निक्स डिफरेंट मैथमेटिकल थ्योरम्स जो कि इन नेटवर्क के अंदर इन लर्निंग के अंदर यूज़ की जाती है वो सभी जो है यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएंगे स्टार्ट so करते हैं बेजियन बिलीफ नेटवर्क के साथ जो हमारा बी होता है यानी कि बेजियन बिलीफ नेटवर्क ये जो है हमारा ग्राफिकल मॉडल होता है जो कि हमें ग्राफ जनरेट करके देता है बिटवीन द रेंडम वेरिएबल्स अब रेंडम वेरिएबल्स जो है वो होंगे हमारे डेटा सेट के थ्रू और डेटा सेट के अंदर जहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है तो उन दो वेरिएबल्स के बीच में जो कंडीशनल डिपेंडेंसीज होंगी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे होंगे उसको जो है हमारा बेजियन बिलीफ नेटवर्क रिप्रेजेंट करता है और रिप्रेजेंट करता है थ्रू ए डेटा स्ट्रक्चर और वो डेटा स्ट्रक्चर जो हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए वो यूज़ होता है हमारा ग्राफ स्पेसिफिकली हम डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ नाम के डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द कंडीशनल डिपेंडेंसीज बिटवीन रैंडम वेरिएबल्स अब इस बेजियन बिलीफ नेटवर्क को जो है मल्टीपल नेम्स से जो है जानते हैं या फिर इस नेटवर्क के जो है मल्टीपल नेम्स हैं जैसे कि कुछ नेम्स हैं हमारे बेजियन नेटवर्क बिलीफ नेटवर्क डिसीजन नेटवर्क और बेजियन मॉडल तो बहुत सारे टेक्निकल आस्पेक्ट्स इंटरव्यूज एग्जाम्स के अंदर जो है बेजियन बिलीफ नेटवर्क को जो है इन नेम से भी जो है एब्रीवेट किया जा सकता है अब बेजियन बिलीफ नेटवर्क अब ये बेज है हमारा बेस थ्योरम पे अब ये क्यों बेस थ्योरम पे बेस्ड है मैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ जो भी हमारा बेजियन लर्निंग का टॉपिक है बेजियन लर्निंग के कॉन्सेप्ट है हमारी मशीन लर्निंग के अंदर उन सभी के अंदर जो है बेस थ्योरम यूज़ होती है बेस् थोड़ा में क्यों यूज़ होती है बिकॉज़ इन सभी लर्निंग्स के अंदर इन सभी मॉडल्स के अंदर जो है हम कुछ प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं तो जब हम कुछ प्रिडिक्ट करेंगे तो उसके दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं या तो हमारी वैल्यू एक्यूरेट होगी या वैल्यू हमारी एक्यूरेट नहीं होगी हमारी प्रडिक्शन की तो जहां पे भी दो पॉसिबिलिटी आ गई वहां पे मतलब प्रोबेबिलिटी आ गई तो इसी तरीके से यहां पे भी जो है हमारा बेजियन बिलीफ नेटवर्क ये हमारा बेस्ट थ्योरम को रिलेट करता है अब बेजियन नेटवर्क को जो है हम मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं और वो मॉडल को हम बिल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा एंड एक्सपर्ट ओपिनियंस अब ये जो हमारा बेजियन बिलीफ नेटवर्क है ये बेसिकली दो टाइप का होता है या मैं बोल सकता हूँ इसके दो पार्ट्स होते हैं पहला पार्ट होता है हमारा डैग दैट इज़ डायरेक्टेड ए ग्राफ और सेकेंड पार्ट होता है टेबल ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज अब जो हमारा बेजियन नेटवर्क होता है इसकी जो जनरलाइज्ड फॉर्म होती है ये बेसिकली हमें जो भी रिप्रेजेंट करती है उसे हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस डायग्राम। अब बेजियन नेटवर्क ग्राफ जिस डायग्राम की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली दो चीज़ों से बना होता है नोड्स से और आर्क से अब नोड होती है आपकी वेरिएबल डेटा सेट के अंदर आपके फीचर्स डेटा सेट के अंदर अब इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं ए बी सी और डी ये मान लीजिए हमारे डेटा सेट के अंदर चार कॉलम हैं चार फीचर्स हैं चार वेरिएबल्स हैं अब उन चारों के ऊपर अगर हमने बेजियन बिलीफ नेटवर्क बी, -बी अगर हमने इम्प्लीमेंट किया तो इस तरीके से हमारा एक इन्फ्लुएंस डाइग्राम या फिर आप बोल सकते हैं बेजियन नेटवर्क ग्राफ जो है हमें रिप्रेजेंट होगा अब ये रिप्रेजेंट जब हो रहा है तो इसके अंदर जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं फीचर्स हैं जस्ट लाइक ए बी सी डी वो सभी जो है नोड की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे और उनकी जो रिलेशन्स है बिटवीन कंडीशनल डिपेंडेंसीज वो जो है एज ए आर्क यानी कि डायरेक्टेड लिंक जो है वो हमें यहाँ पे एज ए डिनोट होंगे अब मैंने आपको बताया कि जो हमारी नोड्स होती हैं वो रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती है और जो एजिज होते हैं वो हमारे क्या करते हैं नोड्स को कनेक्ट करते हैं जो कि हमें रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द रैंडम वेरिएबल्स अब जो हमारा बेजियन नेटवर्क है एज ए प्रोबेबलिस्टिक मॉडल ये किस तरीके से यूजफुल होता है या फिर किस तरीके से हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है तो ये जो है बेसिकली हमें तीन तरीके से बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है पहला होता है विजुअलाइजेशन दूसरा होता है रिलेशनशिप और तीसरा होता है इसके अंदर हमारा कॉम्प्यूटेशन अब अगर आप यहाँ पे इस ग्राफ को देखेंगे इस बेजियन नेटवर्क ग्राफ को तो सबसे पहली चीज़ हमारी जो भी प्रोबेबिलिटी है हमारा जो भी डेटा सेट है वो हमें विजुअलाइज हो रहा है सेकेंड थिंग जो भी हमारे उसके पैरामीटर्स है वो किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं यानी कि उनका रिलेशनशिप वो भी जो है हमें क्या कर रहा है एज ए इंसाइट हमें प्रोवाइड हो रहा है एज ए विजुअलाइज हमें प्रोवाइड हो रहा है और थर्ड थिंग कंप्यूटेशनल यानी कि किस तरीके से हमारा मॉडल जो है कुछ चीज़ कैलकुलेट कर रहा है उसके लिए जो हम बेस थ्योरम का यूज़ करते हैं और बेस थ्योरम में क्या होता है हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं और जहाँ पे भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मतलब रिलेशनशिप की बात होगी तो जिस तरीके से वो रिलेशनशिप के थ्रू हम बेस थ्योरम को इम्प्लीमेंट करके कुछ कंप्यूट करते हैं कुछ वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं तो वो भी चीज़ जो है हमें यहाँ पर ईजिली समझ में आ जाती है बेजियन नेटवर्क के अंदर अब हमारा सेकेंड टॉपिक है ई एम तो ई एम यानी कि एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिदम अब ये जो है हमारी इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पे उन प्रबेबलिस्टिक मॉडल्स के अंदर जहाँ पे हमारा डेटा जो है मिसिंग होता है या फिर इनकम्प्लीट होता है अभी इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग क्या है इटरेटिव का मीनिंग होता है हमारा रिपीटिव यानी कि कुछ स्टेप्स जो कि बार बार रिपीट होंगे और ऑप्टिमाइज होने का मीनिंग है कि हमने जो है क्या किया हमारी वैल्यूज को जो भी हमारी प्रिडिक्ट हो रही है उनको हमने ऑप्टिमाइज कर दिया यानी कि और एक्यूरेट बना दिया और हमारी एल्गोरिदम को एफिशिएंट बना दिया तो जो हमारी ई एम एल्गोरिदम है ये बेसिकली टेक्निक है जो कि हमें मैक्सिमम लाइवलीहुड एस्टिमेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करती है जब हमारे पास डेटा सेट के अंदर लेटेंट वेरिएबल्स होंगे अब यहाँ पे जो है हमारे पास दो टेक्निकल टर्म आई मैक्सिमम लाइवलीहुड एस्टिमेशन दैट इज एम एल ई और दूसरी चीज़ है लेटेंट वेरिएबल अब यहाँ पे जो हमारा एम एल ई यानी कि मैक्सिमम लाइवलीहुड एस्टिमेशन होता है अब ये जो हमारी कंप्लीट कीवर्ड है अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी है जहाँ पे हमने बेस थ्योरम को अच्छे से डिस्कस किया है कंप्लीटली एक्सपेंड किया है तो वहाँ पर हमने क्या किया था बेस थ्योरम के जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट थे उस बेस थियोरम के फॉर्मूला के अंदर हमने आपको चार टेक्निकल टर्म पढ़ाई थी पहली थी हमारी पोस्टीरियर दूसरी थी हमारी लाइवलीहुड टेस्ट और प्रायर प्रोबेबिलिटी। अब वो जो हमारी टेक्निकल टर्म्स थी उस बेस थ्योरम के फॉर्मूला के अंदर वहाँ पे जो हमारा लाइवलीहुड प्रोबेबिलिटी वाला केस था वो जो हमारी टर्म थी उस वैल्यू को जो हम यहाँ पे एस्टीमेट करते हैं तो ये जो हमारी ई एम है ये बेसिकली आपके मैक्सिमम लाइवलीहुड एस्टिमेशन के लिए यूज़ की जाती है जहाँ पे लेटेंट वेरिएबल्स होंगे अब लेटेंट वेरिएबल्स होंगे हमारे डेटा सेट के अंदर अब लेटेंट वेरिएबल क्या होता है लेटेंट वेरिएबल होता है वो वेरिएबल जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है लेटेंट का मीनिंग होता है आपका एम खाली यानी कि हमारे डेटा सेट के अंदर वो वेरिएबल जहाँ पे कुछ लेटेंट वैल्यूज़ होंगी यानी कि हमारी वैल्यूज़ मिसिंग होंगी तो इसीलिए जो है इस ई एम को जो है हम टेक्निकल टर्म्स के अंदर मशीन लर्निंग में लेटेंट वेरिएबल मॉडल के नाम से भी जानते हैं अब जो हमारी एक्सपेक्टेशन मैक्सिमम एलगोरिदम है ई एम एल्गोरिदम है ये बेसिकली हमारा कॉम्बिनेशन है कुछ मल्टीपल अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी डेफिनेशन हमने यहाँ पर डिस्कस की थी ई एम एल्गोरिदम की इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स जैसे हम जनरली किसी अल्गोरिदम को स्टेप्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस तरीके से जो है जब हम इस अलगोरिदम को एक्सपेंड करेंगे स्टेप्स की फॉर्म में तब आपको जो है इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी और ई एम एल्गोरिदम क्लियर होगा तो ई एम एल्गोरिदम की जो हाई लेवल एक्सप्लेनेशन है यानी कि जो स्टेप्स है वो अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला स्टेप इसके अंदर यूज़ होता है इनिशियलाइजेशन अब इनिशियलाइजेशन स्टेप के अंदर क्या करते हैं जिस लेटेंट वेरिएबल की अभी हमने बात की उसकी कुछ वैल्यूज़ को जो है हम इनिशियलाइज कर देते हैं अब वो इनिशियलाइज जो हम करते हैं वैल्यूज़ को वो हम उस पैरामीटर्स की कुछ और वैल्यूज़ को देख के इनिशियलाइज कर देते हैं अब इसके लिए इनिशियलाइजेशन के लिए बहुत सारी टेक्निक यूज होती है सेकेंड स्टेप इसके अंदर आता है हमारा एक्सपेक्टेशन स्टेप अब एक्सपेक्टेशन स्टेप के अंदर क्या होता है जो वैल्यू हमने वहाँ पे इनिशियलाइज की थी उसके अंदर जो है हम क्या करते हैं उस वैल्यू से जो है हम कुछ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं अब मैक्सिमाइजेशन स्टेप के अंदर क्या होता है जो भी वैल्यू हमने एस्टिमेट की थी डेटा के अंदर ई स्टेप के अंदर उस वैल्यू को जो हम पैरामीटर्स में अपडेट कर देंगे यानी कि अब तक हमने तीन स्टेप डिस्कस किए इनिशियलाइज़ कुछ वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे एक्सपेक्टेशन उससे कुछ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे और थर्ड स्टेप मैक्सिमाइजेशन जो वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट की जो हमने प्रिडिक्ट की उसको हम हमारे पैरामीटर्स में यानी कि हमारे मशीन लर्निंग के मॉडल में अपडेट कर देंगे और फोर्थ स्टेप आता है इटरेशन इटरेशन के अंदर क्या होगा हमारा सेकंड और थर्ड स्टेप यानी कि एक्सपेक्टेशन स्टेप और मैक्सिमाइजेशन स्टेप ये जब तक हम रिपीट करेंगे जब तक हमें कुछ कन्वर्जेंस वैल्यू नहीं मिल जाती अब कन्वर्जेंस वैल्यू क्या होती है अब कन्वर्जेंस जो है बेसिकली आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन होती है या फिर मैं बोल सकता हूँ एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल इंट्यूशन होता है जो कि प्रोबेबिलिटी के अंदर हम यूज़ करते हैं अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं हमारे डेटा सेट के अंदर जैसे जैसे हम हमारे पैरामीटर्स के थ्रू हमारे आउटपुट हम देखते हैं तो उस तरीके से जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं जैसे कि डेटा साइंटिस्ट या फिर प्रोग्रामर्स वो क्या करते हैं वो एक आइडिया लगा लेते हैं और एक रेंज को प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इसका आउटपुट जो है हमारा इस रेंज के बीच में होना चाहिए तो वो जो हमारी रेंज है उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंस वैल्यू तो इस एक्सपेक्टेशन स्टेप और मैक्सिमाइजेशन स्टेप को हम बार बार रिपीट करेंगे बार बार ट्रेट करेंगे जब तक जो हमें वैल्यू मिलनी चाहिए वो उस रेंज के बीच में उस कन्वर्जेंस वैल्यू के बीच में नहीं आ जाती तो इसके अंदर दो स्टेप हम बार बार यूज कर रहे हैं ई e स्टेप और एम स्टेप एक्सपेक्टेशन स्टेप को हम यूज़ करते हैं वेरिएबल को अपडेट करने के लिए और एम स्टेप को हम यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस को अपडेट करने के लिए तो ये स्टेप्स जो है आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं इसीलिए जो है हम इस एल्गोरिदम को बोलते हैं इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम अब ये जो है हमारी एल्गोरिदम ये बार बार क्या कर रही है ई e और एम स्टेप को बार बार इटरेट कर रही है रिपीट कर रही है तो इसके अंदर हम बेसिकली कर क्या रहे हैं एस्टिमेट कर रहे हैं हमारी प्रोबेबिलिटी को यानी कि हम क्या कर रहे हैं वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं एस्टिमेट कर रहे हैं यानी कि गेस कर रहे हैं और उन गेस के बेस पे हम क्या कर रहे हैं हमारे पैरामीटर्स को अपडेट कर रहे हैं अब ये चीज़ जब बार बार अपडेट होगी बार बार एस्टिमेट होगी और एक्सपर्ट ओपिनियन के थ्रू हमें पता है कि इसकी जो एग्जैक्ट आउटपुट है वो इस रेंज के बीच में आना चाहिए कन्वर्जेंस रेंज के बीच में आना चाहिए तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ग्रेजुअली हमारे मॉडल की एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर रहे हैं और मशीन लर्निंग मॉडल के जो हमारा गोल होता है वो यही गोल होता है कि हमें क्या करना होता है हमारी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना होता है तो इस तरीके से हमारी ई एम एल्गोरिदम वर्क करती है और जब भी ई एम एलगोरिदम की बात आएगी आपको इस फ्लो चार्ट को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय इनिशियलाइजिंग द वैल्यूज़ यानी कि कुछ रैंडम वैल्यूज़ को जो हम इनिशियलाइज कर देते हैं हमारे डेटा सेट के अंदर और उन रेंडम वेरिएबल्स पर फिर हम क्या करते हैं एक्सपेक्टेशन स्टेप को फॉलो करते हैं इस स्टेप के अंदर हमारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है एंड देन जो हमारी वैल्यू कैलकुलेट होके आई उसको जो हम मैक्सिमाइजेशन स्टेप के अंदर यानी कि जो प्रोबेबिलिटी के थ्रू हमने वैल्यू प्रिडिक्ट की उस वैल्यू को हम क्या करेंगे हमारे डेटा सेट के अंदर अपडेट कर देंगे जैसे ही वो वैल्यू अपडेट होकर हमारे डेटा सेट के अंदर जाएगी यानी कि हमें कुछ आउटपुट मिल गया अब वो आउटपुट हमारा कन्वर्जेंस रेंज के बीच में है या नहीं अगर वो आउटपुट हमारा कन्वर्जेंस रेंज के बीच में है इट मीन्स हमारी जो मिसिंग वैल्यू थी डेटा सेट के अंदर उसको जब हमने फिल किया तो वो हमने सही फिल किया है तो जब हम क्या कर देंगे हमारे प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे बट अगर वो हमारी वैल्यू कन्वर्जेंस रेंज के बीच में नहीं है तो हम क्या करेंगे ई e और एम स्टेप को जो है बार बार यहाँ परफॉर्म करते रहेंगे तो इस तरीके से जो है हमारा क्या होता है ई एम एल्गोरिदम के जो प्रोसीजर्स है जो स्टेप्स है वो कैलकुलेट होते हैं और इसी के साथ बेजियन बिलीफ नेटवर्क और ई एम एल्वोम के साथ हमारा बेजियन लर्निंग का जो भी टॉपिक्स हैं जो भी कॉन्सेप्ट थे जो भी स्टेप थे हमारे मशीन लर्निंग के अंदर वो यहाँ पर कम्प्लीट हो जाते हैं थैंक यू